मसीह की जय। हरे शेष पहले हम सब खड़े होते हैं और प्रार्थना के द्वारा आज का सभा का शुभारंभ करते हैं। Blessings for them, they have a miracle.
Yeah.
परमेश्वर का परमेश्वर हमारा मुक्ति दाता तुझे धन्यवाद देता प्रभु, तू महान परमेश्वर मेरा पिता, तू महान है, तेरे जैसा तो कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु, कोई भी नहीं है परमेश्वर मेरा पिता, तू ही आदि तू ही अंत का परमेश्वर है प्रभु यीशु, दया से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु, करुणा नीति है, दयालु है, कृपालु है, तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर, जो तू है जो सब कुछ है मेरा प्रभु, तू था तू है और तू आने वाला है परमेश्वर मेरा पिता, जो जीवन में यीशु तू है वो जीवन जीवन है प्रभु, जो जीवन में तू ना है वो जीवन जीवन है मेरा परमेश्वर, जो जैसे तेरा
तेरा वचन कहता है इब्रियों 5 में प्रभु तू ना कभी हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा परमेश्वर मेरा पिता। श्याम सुमित्री तेरा वचन कहता प्रभु यीशु हम घोर अंधकार के बीच में भी होके गुजरेगा मौत के वादियों में भी जाएगा हम जानता हमारा प्रभु हमारा यीशु हमारा साथ साथ रहेगा। जॉन 6:37 में तूने कहा परमेश्वर जो कोई भी तेरे पास आएगा उन्हें तू कभी नहीं निकालेगा परमेश्वर मेरा पिता। Matthew 28:20 तेरा वचन कहता परमेश्वर संसार के अंत तक तू हमारा साथ साथ रहेगा। First Peter 5:7 तूने कहा कि तू हमारा परवाह करने वाला परमेश्वर धन्यवाद देता प्रभु यीशु तेरा हर एक वादा को सी जो ये सरामीन करके है धरती आकाश चल जी लेकिन तेरा एक भी वादा नहीं टली तू सच्चा परमेश्वर है जिंदा परमेश्वर है प्रभु यीशु धन्यवाद देते हुए महान दयालु परमेश्वर इस घड़ी आपके पावन पवित्र चरण में आया प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देता परमेश्वर। आगे की सारी सभा आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर इस सभा का राजा अगुआ प्रभु तू लेना परमेश्वर पिता और इस सभा को तू सुन करना परमेश्वर और जो कुछ भी यहाँ पर हुए परमेश्वर शुरुआत से अंत तक तू हमारा बीच में भर लेना परमेश्वर और यहाँ पे आज कोई मनुष्य दिखाई दे लेकिन हर एक चीज में तू दिखाई देना और अंत में हम सारी महिमा बड़ाई प्रशंसा लौटार के आप ही को दे जिसका तू योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता प्रभु यीशु और प्रार्थना विनती दुआ करता जो कोई भी आपके सेवक आज आपके जीवित वचन को लाएगा परमेश्वर उस वचन को तू यीशु अपना लहू के नीचे ढाप लेना उसे तो अभिषेक करना परमेश्वर मेरा पिता। वो वचन बांटने वाला वो नहीं लेकिन पवित्र आत्मा उसके जबानों से तू ये वचन को बांटना और हर एक सुनने वाला कानों को तू तैयार करना परमेश्वर ये वचन सुने और अपना हृदय में बसाए और ये वचन के आधार ही अपना जीवन को बिताए ये वचन ही आज हर एक के जीवन को काटेगा छाटेगा सही बनाएगा आपके राज के लिए तैयार करेगा। धन्यवाद देता प्रार्थना करता जैसे परमेश्वर आज सुबह आपके सारे वचन आपके गले से आए थे प्रभु यीशु जो कुछ भी मांग लेके आए थे परमेश्वर मेरा पिता तू जानता है परमेश्वर हमें बोलने से पहले सोचने से पहले मांगने से पहले तू जानता है प्रभु यीशु तू आज हर एक के मांग पूरा कर दे परमेश्वर मेरा पिता। जो टूटा हुआ मन है उसे तू जोड़ दे प्रभु जो रोता हुआ इस सभा में आए से वापस हंसता हुआ जाए और कह सके कि हमारा प्रभु तू कितना महान है परमेश्वर। धन्यवाद देता परमेश्वर आगे की सारी सभा और इस कलेशिया के जीवन लौटार के आपके सुंदर और पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती दुआ को एक ही महान मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। परमेश्वर से उसकी चंगाई के लिए मांग करें हालेलुया और हम चाहते इस समय हमारे बीच में पास्टर शिखा आए और इस प्रार्थना में हमें लीड करें। इस समय हम सब आपत करें और हम सब दुआ करेंगे उस पिता के लिए हम मांग करें प्रभु इस समय छू के उन्हें चंगा कर दे। थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु धन्यवाद महान परमेश्वर पिता धन्यवाद की भेंट तुझे देते समय प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते यीशु के नाम को लेकर हमारे नाम पिता अदुआ करते प्रभु जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर Matthew 28:20 में प्रभु जहां दो या तीन लोग यीशु तेरे नाम से खड़े होंगे प्रभु उनके बीच में तू विराजमान होगा। वादे के अनुसार हम जानते प्रभु आज जितने बच्चे लोग प्रभु एक साथ में जुड़ के हमारे नाम पिता जैसे आज हम परमेश्वर पिता उस पिता के लिए दुआ करें इस समय जो अस्पताल में बीमार है परमेश्वर पिता इस समय दुआ करते यीशु के महान नाम के द्वारा पिता आज उनके शरीर में प्रभु जो भी रोग है जो भी बीमारी है जो भी समस्या है परमेश्वर पिता इसी समय हर एक बीमारी रोग हर एक समस्या को बांधते यीशु के नाम
हालेलुया। और जैसे प्रभु आपका वचन कहता है बेटी हुई थी 19 में प्रभु जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा मेरे नाम पिता वचन अनुसार प्रभु माफ करता पिता इसी समय यीशु हमारे प्रभु तू स्वर्ग से प्रभु अपने सामर्थ्य अपने चंगारा हाथ को बढ़ा के इसी खड़ी प्रभु उस पिता को छू ले प्रभु यीशु छू ले प्रभु तू छू के उसे चंगा कर दे प्रभु क्योंकि Yeshua ke naam se, in Jesus name. Lord, we tell all the glory, all the praises to your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Master. समय हम सब बैठ जाएं और हम आगे सभा में बढ़ेंगे हालेलुया ना हम बहुत से लोग जानते कि आज क्या फंक्शन है हमारे बीच में हालेलुया और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि हमारे आज विमेंस मिनिस्ट्री का 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन क्यों मैं जोरदार तालियां अपने विमेंस के लिए हालेलुया बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि विमेंस मिनिस्ट्री क्या है यानी कि महिला का मंत्रालय ये क्या है क्या होता है इसमें हालेलुया ना छोटी सी जानकारी एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो एक सुरक्षित और सहायक वातावरण में सभा उद्देशक और ज्ञान के लिए इकट्ठा होता है ये लोग हालेलुया सारे लेडीज लोग इस विमेंस मिनिस्ट्री में जाते हालेलुया और विमेंस मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री है जहाँ महिलाएं या माताएं लोग अपने विश्वास में एक दूसरे को प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज करते हैं हालेलुया ऊपर उठाते हुए प्रभु के साथ में जुड़ जाते हैं हालेलुया तो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री में खासकर प्रभु को पहला स्थान दिया जाता है और उसी के जो मिनिस्ट्री के कार्य को उसके राष्ट्र कार्य को संभालते हैं हालेलुया तो आगे की जो बाकी जानकारी जो मुख्य जानकारी है वो हम आग्रह करते हैं पास्टर एंजेली से कि वो आए और हमारे बीच में इस खास जानकारी को बताए स्टडी फिर विमेंस मिनिस्ट्री के एंबेसी पे और याद रहे पास्टर एंजेली इसी मिनिस्ट्री की अगुवा भी है हालेलुया तो क्यों ना उसका स्वागत करें सर